हेलो स्टूडेंट्स, आप सब ठीक प्रकार से होंगे। मेरी ओर से आप सभी लोगों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। छात्रों, आज हम केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर हम एक नया ऑफिशियल कंपाउंड जिसका नाम है फेरस ग्लूकोनेट। जैसा कि आपने पहला एक कंपाउंड पढ़ा था फेरस फ्यूमरेट, उसी प्रकार ये भी एक आयरन का दूसरा कंपाउंड है फेरस ग्लूकोनेट। तो छात्रों, इसके नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि इसके अंदर आयरन Fe और ग्लूकोनेट ग्लूकोज प्रेजेंट है, ग्लूकोज। तो छात्रों, ये जो हमारा ऑफिशियल कंपाउंड है ये आयरन और ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ है, इसलिए उन्हीं के नाम पर इस कंपाउंड को फेरस ग्लूकोनेट या ग्लूकोनेज के नाम से जाना जाता है। यस, गॉट इट। छात्रों, इसका जो केमिकल फॉर्मूला मीन्स रासायनिक नाम C12H22O Fe2H2O होता है। देखिए स्टूडेंट, इसमें कार्बन के 12, हाइड्रोजन के 22, ऑक्सीजन के 14, आयरन का 1 और जल के 2 मॉलिक्यूल उपस्थित होते हैं। अब स्टूडेंट्स, इसके स्ट्रक्चर के विषय में अध्ययन करते हैं। देखिए, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार की होती है कि CHOH CH2OH सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड COO। और स्टूडेंट्स, इसके ऊपर एक बड़ा ब्रैकेट है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और 2 चार्ज है। तो देखिए स्टूडेंट्स, और इसके ब्रैकेट में Fe आयरन और 2H2O होता है। तो स्टूडेंट्स, इसके सबसे पहले आप कार्बन वैलेंसी देख लीजिए। सी के कितने हैं हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स? 12। तो सी के 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 × 2 तो आपके 12 हो गए। यस, गॉट इट। इसी प्रकार स्टूडेंट्स, हम हाइड्रोजन का वैलेंस देख लेते हैं। एच के 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 अब इसकी मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो आपके 22। इसी प्रकार स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे आयरन का 1 मॉलिक्यूल है तो आयरन में आपका 1 है ये, तो ये वैलेंस है। इसी प्रकार 2H2O तो 2 × 4 H के ब्रैकेट से बाहर हैं तो 2 × 4 और ऑक्सीजन का 1, ऑक्सीजन का 1 प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स, आप सभी की समझ में इसकी स्ट्रक्चर ठीक प्रकार से आ रही होगी। अब स्टूडेंट्स, इसका M का मतलब होता है मॉलिकुलर वेट, मॉलिकुलर M से मॉलिकुलर, WT से वेट। इसका मॉलिकुलर वेट मीन्स अणु भार कितना होता है? तो स्टूडेंट्स, इसका जो मॉलिकुलर वेट है 282.2 होता है। इसको हमने क्लास में आपको निकालने का तरीका भी बताया हुआ है कि इनको हम किस प्रकार निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें इनके मॉलिकुलर वेट निकालने के लिए इनके जो अणु भार होते हैं उनको
याद करना अति आवश्यक होता है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि फेरस ग्लूकोनेट में यह 95% से कम और अधिकतम 105% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ होता है स्टूडेंट्स कि कम से कम 95% हो और अधिक से अधिक 105% होना चाहिए। इंग्लिश में इट कंटेन्स नॉट लेस देन NLT, NLT का पूरा नाम होता है नॉट लेस देन 95% एंड नॉट मोर लेस देन। इसका मतलब NMLT ये कितनी होनी चाहिए, 105% से अधिक नहीं होना चाहिए। यस गाटी स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हम इसकी प्रिपरेशन मीन्स निर्माण बनाने की विधि का अध्ययन करेंगे, उसके विषय में पढ़ेंगे। देखिए कि जब कैल्शियम ग्लूकोनेट क्योंकि आयरन का रिप्लेस है और उसके स्थान पे कैल्शियम है, तो इस डेरिवेटिव का नाम कैल्शियम ग्लूकोनेट है। तो जब कैल्शियम ग्लूकोनेट के उबलते विलयन में मतलब हॉट सॉल्यूशन में फेरस सल्फेट का विलयन डाला जाता है, तो स्टूडेंट्स हमें फेरस ग्लूकोनेट के रवाकरण मीन्स होता है क्रिस्टल्स प्राप्त हो जाते हैं, और इसके साथ साथ कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होता है जो इनसॉल्युबल इन वाटर जल में अविलय होता है, और इनको हम बाय द फिल्टर पेपर की सहायता से सेपरेट कर लेते हैं और हमारा कैल्शियम ग्लूकोनेट फेरस सल्फेट से क्रिया करने के बाद क्या बना लेता है, फेरस सल्फेट। अब देखिए स्टूडेंट इसकी हम रिएक्शन से शो कर रहे हैं कि फेरस सल्फेट FeSO4 कैल्शियम ग्लूकोनेट, मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि जगह कम है, इसलिए देखिए यहाँ पे CH2OH CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड COOO ब्रैकेट डबल है, और यहाँ पे देखिए Fe+2 है, इसको रिप्लेस करने के बाद यहाँ पे कैल्शियम है, तो इसलिए ऐसे हम कैल्शियम ग्लूकोनेट कहते हैं। तो जब फेरस सल्फेट कैल्शियम ग्लूकोनेट के साथ क्रिया करता है तो स्टूडेंट्स इसका जो Fe है वो यहाँ से कैल्शियम रिप्लेस कर देगा और इसके स्थान पर ये Fe आ जाएगा और ये CaSO4 मिलकर कैल्शियम सल्फेट बना लेता है जो कि जल में इनसॉल्युबल होता है, अघुलनशील होता है। यस गॉट इट स्टूडेंट्स, अब देखिए इसकी प्रॉपर्टी और डिस्क्रिप्शन, मतलब ये देखने में कैसा होता है, ये क्या कार्य करता है, कैसा लगता है, तो उसकी प्रॉपर्टीज के विषय में अध्ययन करेंगे। इट इज ग्रीनिश येलो और ग्रेनुल्स, ये जो है ग्रीनिश येलो ग्रेनुल्स मीन्स कण कण के रूप में प्राप्त होता है, कण छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में पाया जाता है या फिर क्रिस्टल्स के रूप में होता है। इट इज स्टेबल, यह बहुत स्थाई होता है, स्टेबल का अर्थ होता है स्थाई, यह बहुत स्थाई होता है। एंड सोल्युबल इन वाटर स्लोली, मतलब ये जल में अगर हम इसको घोलेंगे तो ये धीरे धीरे सोल्युबल होगा जल में। और स्टूडेंट इट इज मोर रैपिडली सोल्युबल, मतलब बहुत जल्दी से ये हॉट वाटर में सोल्युबल हो जाता है। देखिए इट इज मोर रैपिडली सोल्युबल इन हॉट वाटर, अगर हम गर्म पानी में इसको घोलते हैं तो ये बहुत अच्छी तरह
घुल जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, उसके बाद प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन 95% अल्कोहल। अगर हम प्रैक्टिकली तौर पर इसको देखते हैं तो 95% जो अल्कोहल होती है वो इनसॉल्युबल होता है अल्कोहल में। अगर इसको हम 95% अल्कोहल में डिजॉल्व करें तो ये इनसॉल्युबल होता है, एविले होता है, इट डिकम्पोज, ये डिकम्पोज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाता है एट 100 डिग्री टेम्परेचर पर। फेरस टू फेरिकाइन, यह फेरस आयन से फेरिकाइन में कन्वर्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स, हमने आपको फेरस और फेरिक के विषय में भी पढ़ाया हुआ है। फेरस Fe+2 और फेरिक Fe+3। तो स्टूडेंट्स, फेरस में वैलेंसी +2 होती है और फेरिक में वैलेंसी +3 होती है। जिन एलिमेंटों के नाम के पीछे अस आता है उनकी वैलेंसी 2 और जिनके पीछे इक आता है उनकी वैलेंसी 3 होती है। इसलिए यह फेरस से फेरिक में चेंज हो रहा है तो इसका क्या हो रहा है? इसका स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन हो रहा है, इट्स बिकम ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये देखिए 2 से 3 वैलेंसी हो रही है, वेरिएबल वैलेंसी है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसलिए ये फेरस से फेरिक आयन में चेंज हो जाता है। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं इसकी स्टोरेज या फिर भंडारण, इनको कहाँ रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि देखिए इट इज स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर। वेल क्लोज कंटेनर का अर्थ होता है वायु रोधी पात्र, जहां पर वायु प्रवेश ना करे उन पात्रों में इनको रखा जाता है। एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, और लाइट से इनको बचाया जाता है, रेजिस्टेंस किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने आपको इसके ऑफिशियल कंपाउंड ऑफ फेरस सल्फेट, केमिकल फॉर्मूला, स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर वेट, निर्माण और आपकी प्रॉपर्टीज और स्टोरेज के विषय में बताया। थैंक यू वेरी मच टुडे।